तो दोस्तों मैं जा रहा था नहाने के लिए, लेकिन उससे पहले ये देखिए जीजी को क्या चाहिए। क्या चाहिए जीजी को? जीजी को खाना है जेम्स। भैया को भी खाना है? नहीं। अब भैया जी को लगवानी है अपने साइकिल के लाइट की बटन। तो भैया जी का कहना है कि पहले लाइट लगा दो पापा, बटन लगा दो, फिर आप नहाने चले जाना। हाला दो, देखते हैं बटन कौन से में है। इसमें क्या है? इसमें तो खीले हैं। ये मोटर है। मोटर का मोटर का बटन अभी ये देखिए दोस्तों, बटन मिल गया है हमें। अबा ओ वो ने बटन, अरे बटन है भैया जी ये। मम्मा ये मिल गया हमको बटन। इतना छोटा सा बटन कौन? अरे वेरी गुड बटन है बेटा ये, आपको पसंद आएगा लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, छोटा हुआ बटन कौन होगा? अभी नहीं बेटी, अभी नहीं लाएंगे इसको। चलो चलो रखो इसको अंदर में लाडू। चलो रखो इसको भैया जी। क्या जी आप ये रखो, ये पकड़ो, ये सब रखो। म्यूजिक चाहिए आपको? म्यूजिक भी चाहिए। चलो तो आज विक्की जल्दी आ चुका है, हमने झाड़ू वगैरह लगा लिया है, भगवान की दिया बत्ती भी कर ली है और सारे कपड़े भी जमा दिए हैं और विक्की भी अपना काम फिनिश करके आ गया है। विक्की कल आपको ठीक से हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल पाया था। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो विक्की के कल गांव में फंक्शन था न्यू ईयर की, न्यू ईयर का बहुत बड़ा फंक्शन था गांव में। सब गांव वाले एक दूसरे के साथ मिल के गेट टुगेदर कर रहे थे और मेले जैसा माहौल था। विक्की ने मुझे आते ही बताया कि कल विक्की के गांव में मेला रहेगा शाम को, तो इसलिए विक्की कल जल्दी भी चला गया था। और कल बस वगैरह भी बंद थी इसलिए मेले में थोड़ी रौनक कम थी। क्यों विक्की? कल बस बंद था क्योंकि ड्राइवरों की अभी देश में चल रही है हड़ताल, और बस के ड्राइवर, ट्रक के ड्राइवर, दोनों ड्राइवर हड़ताल में बैठे हैं। तो इसलिए कल विक्की को जल्दी घर जाना पड़ा था क्योंकि विक्की भी बस में ही आता है। अब विक्की जाएगा अस्तर, सारे अस्तर के कपड़े मैं निकाल देता हूँ ऊपर से, कौन से अस्तर हमको लेके आना है, और फिर भेजते हैं विक्की को अस्तर लाने। जब तक हमारे मास्टर जी भी आ जाएंगे, उनकी कटिंग की आज हमको चिंता नहीं है क्योंकि उनको जो ब्लाउज़ देना है उसकी पेपर कटिंग हमने पहले से ही करी हुई है क्योंकि वो हमारे परमानेंट कस्टमर है, तो उसको सिर्फ रखना है, काटना है और देना है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ हेडेक वाला काम है नहीं मास्टर जी का। तो विक्की को पहले रवाना करते हैं अस्तर दे करके। पहले उसके लिए अस्तर ऊपर से निकालना पड़ेगा, कौन से मिला उसका अस्तर लाना है, डेट मिलानी पड़ेगी, रजिस्टर मिलाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं काम, और काम का स्टार्ट अभी हो रहा है लेकिन उससे पहले पियेंगे हम चाय, क्योंकि चाय के बिना काम अधूरा है। तो अस्तर के लिए जो हमें कपड़ा निकालना था वो निकाल कर हमने बैग में डाल दिया है। अब विक्की कर रहा है इंटरलॉक, करेंगे प्रेस, फिर दिखाएंगे आपको लेस वाली ब्लाउज की डिज़ाइन। मास्टर जी मार रहे हैं नीचे प्रेस, और मास्टर जी परमानेंट ये जो कैप है अपनी ये लगाए रहते हैं क्योंकि मास्टर जी को मैंने जब भी देखा है कैप में ही देखा है। ये कैप इनके ऊपर सूट भी बहुत अच्छी करती है। और ये विक्की, इसके विक्की के पीछे लगता है कोई दाग लग गया है टी शर्ट में, ये देखो पीछे किसी ने बस में लगता है किसी ने बस का ग्रीस इसके टी शर्ट में लगा दिया है। oh, no. उसमें काला दाग हो गया है। दाग अच्छे होते हैं ऐसा कहा जाता है, अगर ये दाग अच्छा नहीं है। ये देखिए ये यहाँ पर दाग लग गया है। विक्की की जो हेयर कटिंग है ये देखिए, यहाँ से ऐसा कैरी कट की डिजाइन है, कैरी कट, ये यहाँ से बाल बनते ये ऐसा और ऐसा कैरी कट, इसे हम दर्जियों की भाषा में, टेलर की भाषा में कैरी कट बोलते हैं। विक्की को हपाट हपाट के मारो बोल रहे, ये छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं हम लोग दुकान में, हम दुकान में छत्तीसगढ़ी बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं।
काबर के हमन छत्तीसगढ़ में रही थन तो छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं बोलेंगे, का बोलेंगे जी हम एक दूसरे के साथ छत्तीसगढ़ी में गोठिया थन बात करथन, छत्तीसगढ़ी में बात करना मतलब बहुत अच्छा लगते, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी इसलिए हम हिंदी में बात कर रहे हैं। और बीच में कभी कभी हमारे से छत्तीसगढ़ी निकल जाती है, और जब हम घर में रहते हैं तो कभी कभी बीच में मारवाड़ी निकल जाती है, इसलिए तीनों भाषा हो जाते हैं मिक्स। और इंग्लिश का भाषा तो आजकल छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे नान नान लड़का मन से लेकर के बुजुर्ग ढोकरी ढाकरी सियान मन घलोक आजकल थोड़ा अंग्रेजी के यूज कर लेते, काबर के ओमन कोई चीज ला बोलते तो ओमन ला मालूम नहीं रहे अंग्रेजी, एक हिंदी ओमन यूज बोल देते कोई चीज ला, या कोई कोई शब्द जो है अंग्रेजी में यूज कर लेते। हमन छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं। हम लोगों को अंग्रेजी ज़्यादा आती नहीं है क्योंकि हम कम पढ़े लिखे हैं। चलो जब तक मास्टर जी प्रेस मार रहे हैं जब तक विक्की अस्तर लेने जा रहा है, और इस झोले में अस्तर और पाल के कपड़े रखे हुए हैं। ये देखो मास्टर जी कुछ बोल रहे हैं, गुठिया रहे हैं हमारे से। मैं का बताऊं संगी, मैं का बताऊं पूनम के दुकान ला, मैं का बताऊं नहीं है घर मुर्गा थाली लोटा नहीं है एक ठन बटकी, मैं का बताऊं। ये छत्तीसगढ़ी कावत बोल रहे थे मास्टर जी। अब वीडियो मास्टर जी इसका मतलब क्या है ये भी बता दो आप। अब ये जी मुर्गा ने खाए के थाली लोटा है नहीं, नहीं है का करो, सेठ जी लोग बोलते समझाते नहीं माना है मुर्गा थाली लोटा नहीं पैसा नहीं का करो। इसीलिए मास्टर जी काम कर रहे हैं, ब्लाउज काम कर रहे हैं, ब्लाउज सिल रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए इसी का कहावत के साथ में हम अब आगे का काम कर लेते हैं, और विक्की को पहले समझा देते हैं क्या क्या लाना है, वरना विक्की कुछ भी उठा कर ले आएगा अभी। तो चलिए दोस्तों जाते हैं घर, घर जाने का टाइम हो गया है, विक्की को उसका काम मिल गया है, डिजाइन वाला ब्लाउज बना रहा है विक्की, और पाइपिंग पाइपिंग भी है ना, और बॉल पाइपिंग के कलर की चाहिए, ठीक है उसी कलर की रहेगी बॉल। चलिए जाते हैं घर, खाना खाना है, और ये अस्तर ले लिया हमने धुलवाने के लिए, अब ये अस्तर धुल करके आ जाएंगे घर से, फिर मिलते हैं चलो घर पर। तो पहुंच गए हम घर में खाना खाने के लिए, अब ये अस्तर धोने वाला रख दिए नीचे, और भैया जी को भी अब उतारते हैं नीचे, और लाड कुमारी हमारी वेट कर रही है। क्या कर रही लाडो? लाडो का नखरा चल रहा है क्या? चप्पल पहन के नखरा दिखा रही है लड़की। बाय बाय, किधर चलिए? बटन लाओ, बटन लाया, बटन घर में मिल जाएगा पापा ने। गाड़ी का बटन लाए नहीं है दोस्तों, भूल गए हैं, घर में मिल जाएगा बटन। पापा आप लाया? और ये बार बार फ्रेम में आने के लिए आस पास आ रही है, लेकिन मैं उसको ले नहीं रहा हूँ। भैया जी की साइकिल में लग गई है लाइट, और ये देखिए भैया जी लाइट कैसी लगी है, ये देखिए, ये देखिए दबा भैया जी बटन, ये देखिए भैया जी की गाड़ी में पूरी आखिर तक सुनहरी लाइट लग गई है, हैंडल में भी लाइट लग गई है, और भैया जी बटन बताओ कहाँ है भैया जी? ये देखिए बटन है, अंगूठे से दबाते हैं। ये देखिए बटन है, हाँ। बताओ भैया कहाँ है बटन? अच्छा ये रहा बटन, इस बटन को जैसे ही भैया जी दबाते हैं तो सामने फोकस लाइट जल जाती है, सामने ये देखिए फोकस लाइट जलती है ये, और पूरी गाड़ी चकमक। मैं आपको लाइट बंद करके बताता हूँ, ये देखिए ऐसा लग रहा है, दे रहा है, ये देखिए भैया जी की लाइट हो गई है टकाटक।
लाइक बस चलाती है और ये चालू होता है। तो भैया जी ने अपनी साइकिल को ही बाइसिकल बना लिया है, मोटर बाइक बना लिया है ना भैया? मोटर बाइक नहीं है, मोटरसाइकिल बना लिया है क्या? नहीं मोटरसाइकिल नहीं है, ये साइकिल साइकिल है। इस साइकिल को भैया जी ने मोटरसाइकिल बना लिया है। सामने लाइट लग गई है, डीजे की लाइट लग गई है इसमें। ये देखिए, ये फोकस लाइट जहाँ तक आप चाहो कम ज्यादा कर सकते हो, कम ज्यादा कम ज्यादा। ये ज़्यादा ऊपर चली गई है, ये इतने ठीक है। ये देखिए भैया जी ने अपनी साइकिल को बनवा लिया है मोटरसाइकिल, और खूब भालो लाग से मोटरसाइकिल खूब सारो चलिए भैया जी की लाइट हो गई है। भैया जी खुश हो? हाँ। ये देखिए गाइस, साइकिल रुकी नहीं है गाइस, मुझे तो और वरना नहीं हो रहा, मुझे तो चला के जा रहा है। रुक गई गाइस, अब थोड़ा ब्रेक लगा दिया। चलो अब भैया जी का तो ये सब चलता ही रहेगा, अब हम जाते हैं। मम्मी को दिखाया भैया? हाँ। मम्मी ने क्या बोला? मस्त बोला। चलो अब इसकी मम्मी भी मस्त बोल दी है, भैया जी को भी मस्त लगी है। मम्मी देखो लाइट निकल रही है। चलते हैं दुकान की ओर और देख लेते हैं। रसोई में अभी इसकी मम्मी गई है तो चाय होगी तो हम पी लेंगे। चाय है दोस्तों, तो चाय पी लेते हैं और फिर जाते हैं दुकान। तब तक के लिए वीडियो बने रहे हैं, और भी मेरे वीडियो अपलोड है पहले से ही, वो देखिए। और ये देखो भैया जी का स्टैंड, जोर से मत पटकना भैया, है ना? चलिए तब तक के लिए बाय बाय। दो अंगूर के दो ये देखिए निशान लगा करके फिर इस तरीके से लगाई जाती है बॉल्स। जहाँ पर बॉल लगती है वहाँ हल्का सा मोटा हो जाता है भाग। और हम भी खा लिए हैं खाना, और विक्की भी खा लिया खाना। विक्की खा लिया खाना? खा लिया। विक्की भी खा लिया है खाना। घर से चाय पी के आए थे लेकिन चाय का टाइम हो गया है, तो हम पियेंगे चाय और साथ में कुछ हवा भी खाएंगे, या तो चिप्स लाएंगे। या तो चिप्स खाएंगे या फिर कोई भुजिया सेव खाएंगे। तो फिर ये काम विक्की का है, विक्की जाएगा विक्की लाएगा और हम दोनों खाएंगे। और चाय मैं अकेला पीऊँगा क्योंकि ये लड़का चाय नहीं पीता है। चाय पीता है?
नहीं चाय नहीं पीते हैं। खोवा तो खाएगा ना? खोवा खा लेते हैं, चाय नहीं पीते हैं। आज का ब्लॉग थोड़ा सा देरी से अपलोड हुआ है, जो कि 1 तारीख का न्यू ईयर का था, और आज का जो ब्लॉग रहेगा वो जल्दी अपलोड होगा, कल सुबह 7 बजे कोशिश करेंगे करने की। और ये देखिए विक्की चला अपनी मंजिल की ओर, पैसा पैसा लेके चला विक्की। जब तक विक्की आता है तब तक मैं आपको लेस दिखा देता हूँ जो विक्की ने लगाई है। ये देखिए दोस्तों, ये लेस विक्की ने लगाई है, बहुत ही शानदार लेस, बहुत ही फिनिशिंग से लगाई है। थोड़ा पास करके दिखाता हूँ इसको आपको। अब देखिए इतनी फिनिशिंग से ये लेस लगी है, ये लगी है कमर पे, और ये लगी है देखिए गले पे, और ये है फ्रंट, ये फ्रंट, और ये है स्लीव्स। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से और अच्छे से विक्की ने काम किया है अपना, इस तरीके से इसमें पूरा पाइप्स लगाए, पाइप्स पूरा हाथ से टाकी हुई है। और बाकी ये सादे ब्लाउज हैं, ये बोट नेक है, ये देखिए ये बोट नेक ब्लाउज है, इसमें फ्रंट में हुक बोला था कस्टमर ने तो हमने फ्रंट में हुक लगाया है। और ये जिस आवाज़ आ रही है ऐसा लग रहा है विक्की आ रहा है, जो कि विक्की आ चुका है चिप्स के साथ में, चाय के साथ में, चिप्स के साथ और चाय के साथ विक्की आ गया है। इसमें लिखा तो कॉफ़ी है, ये देखो कॉफ़ी ओ क्लॉक लिखा हुआ है, इट्स कॉफ़ी ओ क्लॉक, पर ये है चाय। ये देखिए ये है हल्का फुल्का, हल्के फुल्के को दो भाग में विक्की करेगा, एक विक्की का और एक मेरा। और हम पियेंगे चाय, चाय के बाद में लगाएंगे हम अपने फ़ोन को चार्ज पे, चाय के बाद लगाएंगे हम अपने फ़ोन को चार्ज में, पहले पियेंगे चाय फिर खाएंगे, पहले चाय पियेंगे उसके बाद खाएंगे चिप्स, क्योंकि दोनों का टेस्ट बिगड़ जाता है फिर। ऐसे में प्लेन वाला है ना, ये सादा वाला है ना, ये सादा वाला है, सादा चिप्स है, हल्का फुल्का सादा प्लेन चिप्स है, इसमें कोई मिर्ची विर्ची डली हुई नहीं है, कोई लहसुन प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डला, एकदम सादा है, हल्का फुल्का। तो पहले चाय पी लेते हैं, विक्की तो चाय पीता नहीं है इसलिए विक्की खाएगा। ये क्या जोड़ रहा है? तो जोड़ अंदर रख देना, कवर जोड़ना। ये बना रहा है विक्की डिज़ाइनर ब्लाउज, इसके आस्तीन में भी डिज़ाइन है और इसके बैक में भी डिज़ाइन है। और सारे ब्लाउज अच्छा लेकर आ गया है विक्की, जो मैंने सुबह दिया था वो जितने ब्लाउज सुबह के थे वो अस्तर लेके आ गए हैं, अस्तर धुलने भी चले गए हैं, जो नहीं धुलने वाले अस्तर थे वो अपने बैग में रखे हुए हैं। और अभी हम वीडियो अपलोड कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, और अभी चाय पियेंगे चिप्स खाएंगे। और ये मेरा भाई नए साल के दिन मुझसे मिलने आया नहीं, और अभी ये जा रहा है
हवाई डुआ डू, नए साल की ढेर सारी आपको, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी जान। कल कहाँ चले गए थे आप? कल हम तनिक बिजी थे। बैठो, चाय मंगाऊं आपके लिए? नहीं। चिप्स? नहीं। चिप्स चाय कुछ चिप्स तो खा लेते हैं, एक दो ले लो, चिप्स ले लो। इसको मारेंगे आप तनिक ऐसा बस, तो इस डिस्पोजल को डाल देते हैं स्वच्छ भारत अभियान में, क्योंकि स्वच्छ स्वच्छ भारत अभियान है। लीजो, वाह यम्मी यम्मी, हल्के फुल्के। कपिल तुझे जाना बेटा, कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए दोस्तों, इससे मन लगा रहता है काम में, मन लगा रहता है इससे। ओके, कुछ हल्का फुल्का खाते रहो, चाय पीते रहो, नाटा गिरी खा दो। ये देखिए नट फिर से घुमा दिया लड़के ने, अभी देखा कड़ा कड़ा लगी नहीं। ये नट ये फिर से घुमाना चाह रहा था, अच्छे से कस नहीं रहा है लड़का, इसे मैं अपने घर ले जाना चाहता अपने कैची के लिए, अपने कैची का नट घूम गया है, इसे छुपा छुपा कर ले जा रहा था, लेकिन इसको पता चल गया है नहीं। तो हम करते हैं इसको फिनिश और इन सब ब्लाउजों को डालते हैं हैंगर में। अभी तो है ये देखिए दोस्तों, ये ब्लाउज विक्की ने बनाए हैं, इसके डिजाइनिंग कल हुई है और ये फिनिशिंग होके अभी आया है। ये फ्लावर कितना बढ़िया लग रहा है, खड़ा है, ये स्लीव्स है, ये बैक का डिजाइन है, बहुत ही सुंदर प्यारा बो बना हुआ है इसमें और अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये बन रहा है, ये इसके डिजाइन के लिए इस मशीन में बैठा है, आड़ा तिरछा चला रहा है लगता है। हाँ उसी को देख के लगाना है, हाँ जहाँ तहाँ गुटका फूक रहा है। आज ये सफारी सूट पहन कर आया है ये हीरो बनकर। नोट कर रहा है सब डायरी में, डायरी में सब नोट करते हैं कितना मार्केट बंद है कितना चालू है, ऐसे करके ये बता रहा है कि मार्केट बंद है पूरा। हाँ रामाधर बोरबोन लेके आना है, एक बोरबोन बोल तुम्हारे सारे काला की से बोरबोन, एक बोरबोन लेके आना है, दिखाते हैं के भारत जनरल से बिस्कुट की जगह बोरबोन बिस्कुट। हाँ बोरबोन बिस्कुट बोलते हैं, पैसा एक बोरबोन बिस्कुट और भारत जनरल से कंफर्ट कपड़े कपड़ा धोने वाला जो आता है लिक्विड। अरे दिल है नहीं नाम है नहीं, इन दोनों का कचर कचर तो चलता रहेगा, उस बीच हम लिख करके देते हैं इसको बोरबोन और कंफर्ट, ताकि ये ले करके आ जाए हमारे लिए। अब ये हमारा गेम करा भाई जो कुछ नहीं, ये हमारा फल लेने वाला है, ये हमारा फल लेके आता है। जो मैंने आपको लड्डू दिखाया था वो लड्डू किसी भाई ने बनाया था, ऐसा है। बाकियों से ज्यादा लेता है, मेरे से थोड़ा और ज्यादा लेता है, ये एक अलग बात है। 50 का माल 70 में देके जाता है, लेकिन माल चोखा देता है ये, आम को जाम को सेब को केला को सबको बता देता है छिलकर देख के। कितने का आया?
ये है कंफर्ट। तो वहां से ले आना था ना कोठारी वाले के यहाँ से? अभी हम नहीं जाता, एक बार कर लिया भाई, आदमी दो बार नहीं जाएंगे, इसको पहले बताना था आपको, इसके बाद हमको भेजना था। तो भाई गैस ला लेना भाई करके बोलना की वहाँ नहीं मिलेगी, इधर जाना करके भेजी तो मास्टर को। ये देखो ये हमको धमकी दे के जा रहा है। रावण है हमको धोखा दे के चला गया। हाँ इतना ही दूर दूर में, इतना ही दूर दूर में विक्की बना रहा है। और ये हमने कंफर्ट मंगाया है, अब इसको देखेंगे डाल के, देखते हैं डाल के कैसा होता है कपड़े में। और ये सारी चिल्लर यहाँ रखी है, 40 हमारे यहाँ तो ये सिक्के चल रहे हैं, पर कहीं कहीं पर ये सिक्के चलते नहीं हैं। कोई इन सिक्कों को नकली बोलता है, कोई असली बोलता है, कोई लेता है कोई नहीं लेता है, पर यहाँ तो चल रहा है। सिक्कों को डालते हैं अंदर और कटिंग करते हैं उसकी, और कंफर्ट को भी रखते हैं अंदर कपड़ा धोने के लिए, इधर जाएगा ये, तब इसको कटिंग करते हैं, ये डिज़ाइन बना लेगा और हम मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि बस बंद है, कोई भी बस चल नहीं रही है, तो विक्की को जल्दी जाना पड़ेगा। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है विक्की को, तो बस में, और उसके बाद जाना है 7 किलोमीटर साइकिल में, है ना? कितना किलोमीटर? 9 साइकिल में कितना किलोमीटर जाना है? 9 किलोमीटर। झूठ बोल रहा है, झूठे झूठ बोल रहा है, 2 किलोमीटर ये लड़का साइकिल में जाता है। और यहाँ से सुंदरा कितना है? यहाँ से सुंदरा 5 किलोमीटर, टोटल 7 किलोमीटर से आता है ये। यहाँ से 5 किलोमीटर बस में जाएगा, और उसके लिए इतना घबरा रहा है ये, इतना पहले जा रहा है, लिफ्ट लेके जाएगा और मुझे बोल रहा है पैदल जाऊँगा। अगर आज ये 5 किलोमीटर पैदल जाएगा तो कल दुकान आएगा क्या काम करने? नहीं यहाँ पाएगा ये जल्दी, तो जाने से पहले बोरबोन तो जैसे ही लाना पड़ेगा। बोरबोन खाओगे? बोरबोन खाने का मन हो रहा है दोस्तों, और ये खाओगे से पूछ रहा है। पूछना पड़ता है कि अपना बोरिया भी समेट के घर जा रहा है, हमको वहाँ अकेला छोड़ कर जा रहा है। और अब जाएगा बोलबोल लेने, और हम हेमंत का इंतजार करेंगे, भूपेश का इंतजार करेंगे, जब तक बैठे रहेंगे। तो फिलहाल मैं इस काम को मिला लेता हूँ, और फिर विक्की जाएगा बोलबोल लेने के लिए। तो विक्की को देते हैं चिल्लर, और ये लड़का जल्दी जल्दी कर रहा है। ये लो एक ठना ही 10 रुपए में। ये आ गया है बोरबोन, बहुत बहुत धन्यवाद है विक्की को बोरबोन के लिए। और विक्की पहन रहा है कोट, और हड़बड़ी में, इतना हड़बड़ी में निकल रहा है कि पता नहीं इसको बस मिलेगी टेम्पो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा तो परेशानी हो। ले बोरबोन खाओ, बोरबोन रे एक और ले ले। तो विक्की चला गया अपने घर, और हम यहीं हैं अभी तक, बोरबोन का मजा लेंगे, ये काम निपटा लेते हैं जब तक आ जाएगा हेमंत। कपड़ा भी आप मतलब पहन के काम कर, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि शाम हो गई है, शाम को भी ये हेमंत आने वाला है, और हेमंत आ गया है।
तो हेमंत ने ये हुडी खरीदी है और हेमंत ये चाहता है कि मैं इसको सजेस्ट करूं कि ये हुडी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। मुझे तो ये बड़ी अच्छी लग रही है, ये कलर भी हेमंत के ऊपर सूट कर रहा है। आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया, पहनने में हेल्प लग रहा है। हाँ, और इसको पहन के मैं मशीन में काम करते भी अच्छा लगता है, जमता है। हाँ, काम करते फ्री लगता है। हाँ, ठंड भी नहीं लगता। हाँ, कैप भी पहन लो मोटरसाइकिल चलाते समय, अपना मस्त टोपी लेने की जरूरत नहीं है, ये अपना काम हो जाता है। तो ये है हेमंत की कहानी हुडी की। इसने इससे पहले एक जॉकेट खरीदा था, एक स्वेटर जैसा जॉकेट था। हाँ, वो जॉकेट था। हाँ, वो जॉकेट था, वो रेगजीन जैसा कुछ ठंड में पहनने का आता है वो था, वो भी अच्छा है। पर मैंने और मेरे एक दो स्टाफ ने सजेस्ट किया कि हुडी लो, तो सबकी बात मानते हुए इसने हुडी ले लिया। और देखिए लुक वाइज इसको बहुत अच्छी लग रही है और इसके ऊपर सूट भी कर रहा है ये कलर। और हेमंत के आने के बाद देखिए हमको चाय भी नसीब में मिल रही है, हेमंत चाय ले आया है। घड़ी में बज रही है 8:15, चाय पियेंगे, हेमंत को काम देंगे, रजिस्टर की एंट्री करेंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से घर। घर जाएंगे उससे पहले दूध लेंगे और बच्चों के लिए हो सकता है चॉकलेट ले लें, क्योंकि कल भैया जी ने बात मान ली है, मोटरसाइकिल लेने के लिए उसने मना कर दिया है। तो मेरा 12,500 रुपये का चपत होते होते बच गया है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। तो फिर इसलिए उसको चॉकलेट खिला के खुश कर दिया जाएगा, बड़ी चॉकलेट ले जाएंगे आज बच्चे के लिए। तो ठंड अभी बढ़ गई है, 2 दिन हो गया है। मेरा बड़ा वाला जॉकेट जो है ड्रैगलिन के लिए गया हुआ है, वो पता नहीं कब आएगा, 4 या 5 तारीख को आएगा, पता नहीं कब आएगा, देखते हैं। तो अभी करते हैं एंट्री, पीते हैं चाय और फिर मिलते हैं आपको दुकान से जाते वक्त। जब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, घर जाएंगे। घर भैया जी की गाड़ी की लाइट तो आपको मैंने दिखाई दी है, अब देखते हैं भैया जी ने उसे कितने देर तक संभाल के रखा है, तोड़ तो नहीं दिया कहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी तोड़ देता है सब चीज़ों को। तो घर दुकान अपने को दुकान से सेलो टेप चौड़ी वाली लेके जाना पड़ेगा, ताकि वो जो हमने लाइट लगाई है उसके ऊपर राउंड लगा दें, ताकि भैया जी उसे तोड़ ना पाए। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक पी लेते हैं चाय। और इस समय लिखा हुआ है इस चाय के ऊपर है टाइम फॉर कॉफ़ी, पर हम पी रहे हैं टी। हेमंत ने अपनी चाय ख़त्म कर ली है। हाँ, हेमंत ने अपनी चाय ख़त्म भी कर ली दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था तब तक हेमंत ने अपनी चाय ख़त्म कर दी है। चाय के ऊपर आ गई है मलाई, अब इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं वरना इसे पीने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ घर, घर आते ही भैया जी आ गए हैं मेरे पास, और मेरी लाड कुमारी गोदी में आने के लिए तक रही है। गुस्सा आ रहा है, आ जाओ लाडो लाडो। दोस्तों ये नाराज हो गई है, ये देखो इसे खुश करने का मेरे पास एक तरीका है। ये देखिए जीजी को मिल गई है, पापा। जीजी को तो मिल गई है, लेकिन देखो जीजी को मिलने के बाद भी भैया जी ने चॉकलेट की डिमांड नहीं की, इसलिए एक भैया जी को भी मिलेगी, ये भैया जी के लिए। और ये भैया जी की मम्मी है, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये पता नहीं कोई चीज बता रही है, भैया जी ने क्या किया है आज? तो हम आ गए घर और अब खाना वगैरह खाएंगे। और इतना ही था आज का दिन, घड़ी में बज रहे हैं 9, घर में कुछ काम करेंगे। भैया जी ने अभी तक लाइट संभाल के रखी है, इसका मतलब कुछ खराब नहीं किया है भैया ने। चल रही है लाइट पूरी, अच्छी लगी आपको, मजा आ रहा है? अच्छा, मेरे को आज एक चीज समझ में आया, काइन मास्टर से मेरा मेमोरीज फुल हो रहा था।
देख रहे हो दोस्तों, इसको कुछ ना कुछ समझ में आते ही रहता है, जो कि आ गया इसको समझ में। तो चलिए फोन को लगाते हैं चार्ज में और फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। आप सब अपना ख्याल रखें और हम भी अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। आप भी अपना अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं आपको कल।